शाबाश। आई थी मुझे गिरफ्तार करने। अरे भाई राम सिंह, ये ले मिठाई। करीम मिया, न होली है न दिवाली, ये लड्डू किस खुशी में? खुदा का नेक बंदा हुसैन आज जेल से रिहा हो रहा है, ले एक और डबल मिठाई खा। हुसैन आज तू जेल से रिहा हो रहा है, मुबारक हो। जब तक दिल नहीं मिलते हम हाथ नहीं मिलाते। दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते हाथ मलाला हुए। सोच ले, जब मैं दुश्मन के साथ हाथ मिलाता हूं तो उसके हाथ की जीवन रेखाएं ही मिट जाती हैं। ओए, मेरे जाने के बाद बेबस कैदियों पर जुल्म मत ढाना। ये तेरा मशवरा है या धमकी? जो भी है इसे अपने कोल रख। बाकी रही कैदियों की बात, यहां का हर कैदी मेरी मर्जी से जिएगा और मरेगा। ओए, तो तुम उनके खुदा बनना चाहते हो? बनना चाहता हूं और खुदा बनूंगा भी। दिल उनका होगा लेकिन उनकी धड़कनों पर मेरा कब्जा होगा, और मैं ये भी फैसला करूंगा कि कौन कैसे जिए, कब तक जिए, मरे तो कैसे मरे। ओए जेलर, एक बात याद रख, तो जैसे खुदाओं के चेहरे की आरती नहीं उतारी जाती, चेहरा ही उतार लिया जाता है। जिस तरह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांगते हैं ना, उसी तरह मैं तेरे चेहरे को जेल के दरवाजे पर टांग दूंगा, ताकि फिर कोई राक्षस इस वर्दी में अंदर ना दाखिल हो सके। खुदा हाफिज। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। ओए ओए, तू जा यार, जा। या अल्लाह, आज ईद का मुबारक दिन है, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन ये घर उन खुशियों से महरूम है। या मेरे अल्लाह, इससे पहले कि इन आंखों में अपनी औलाद को देखने की रोशनी ही ना रहे, तू मुझे अपने लाल से मिला दे परवरदिगार। आज एक माह तुझसे अपनी नमाज और रोजों का सिला मांगती है, मुझे अपने लाल से मिला दे मेरे अल्लाह। अम्मी जा, अम्मी जा, अब मैं आ गया हूँ। हुसैन, हुसैन, हुसैन मेरा बच्चा, हुसैन मेरे बच्चे। अम्मी जा, तो आ गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है मेरे मालिक। तू आ गया। रजिया, कौन है अम्मी? अरे देख तो कौन आया है। अम्मी कौन आया है? भाईजान, 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 भाई, शुक्र है अल्लाह तेरा। सचू, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ। नहीं भाईजान, मैं तो इन मोतियों से आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे रुला दिया ना इसको, इतने सालों बाद ये घर आया है, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना। जा रही है बेटा। अभी लाई। आ बेटा, यहाँ बैठ। कैसा है तू? मेरे सर पर तो तेरी दुआओं का साया था माँ, पर देख रहा हूं इन 5 सालों में
मेरी माँ मेरी बहन को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। ये तो उम्र की थकन है बेटा, लेकिन तेरे माथे की लकीरें तेरी दुखों की दास्तान सुना रही है। तेरी आंखें कह रही है कि तू एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया। अब तू घर आ गया है, चैन से दो रोटी खा ले, आराम कर। देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। हुसैन, तू किसे मारने जा रहा है? उसे अमीजान, जिसने हुसैन के माथे पर मुजरिम का दाग लगा दिया। 5 साल में जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जब मैं जेल से निकलूंगा और उसे उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगा। तो फातिमा का बेटा खून करेगा? हुसैन के नाम के साथ करबला की तारीख जुड़ी हुई है। उन्होंने उन जालिमों को माफ नहीं किया, बल्कि उस जिहाद में खुद शहीद हो गए। मुझे तेरे फैसले पर एतराज नहीं, पर मुझे इतना बता कि तेरे बाद तेरी माँ और तेरी बहन का क्या होगा? फिर भी तू अपनी मन की करना चाहता है तो बेशक जा, मार डाल उस भवानी को, ताकि जिंदगी भर तेरी बहन की हथेली मेहंदी को तरसे और मेरा जनाजा तेरे कंधों को। मैं जानती हूं इन 5 सालों में क्या बीती होगी तुझ पर, क्या कुछ सहा होगा तूने, लेकिन अपना इंतकाम पूरा करने से पहले तुम्हें एक भाई का फर्ज अंजाम देना है। अपनी बहन के हाथ पीले करते फिर मैं तेरे इंसाफ के रास्ते में नहीं आऊंगी बेटा। हुसैन बेटा, अभी गुस्सा छोड़, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुझे निभानी है। आ देखो बेटा, तुझे तेरी अम्मी जान की कसम है, जब तक अपनी बहन को डोली में बिठाकर रुखसत नहीं करेगा तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। ये ममता की बंदिशों का धागा है। यही है हुसैन साईं का घर। हाँ हाँ, हुसैन साईं का घर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बड़ा है बाबा। हाँ तुम यहाँ रुको बाबा, तुम्हारा 10 साल हुआ तरक्की नहीं हुई ना? हाँ, तुम्हारा पेपर में साइन कर दूंगा, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। कर दीजिए, थैंक यू। मेरी तरक्की नहीं हुई, तुम्हारी कैसे होगी? होम मिनिस्टर का दिमाग खराब हो गया, किधर किधर भेज देता है। अरे बाबा, कोई घर में है? हुसैन साईं। कौन? माता जी को प्रणाम, बहन जी को नमस्कार। हुसैन साईं किधर है? लेकिन क्या बात है, आप कौन है? मुझे सीताराम गिडवाणी कहते हैं बाबा। मैं होम मिनिस्टर का चमचा हूँ ना, आई मीन उनका पीए। उन्होंने आपको बुलवाया है। मुझे? हाँ। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं किसी होम मिनिस्टर को नहीं जानता। अरे बाबा, उन्होंने खुद ने सरकारी वाहन भेजा है आपके लिए और कहा है कि पूरे मान सम्मान के साथ लेके आना। देखिए, मैंने कह दिया ना कि मैं किसी को जानता नहीं, तो आप यहाँ से जाइए। मैं जाऊँ? हाँ जी। आप मेरे को नहीं जानते? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। होम मिनिस्टर को नहीं बाबा, मैंने कहा ना मैं किसी को नहीं जानता। दादाजी कुछ करिए ना। बेटा हुसैन, नौकरी का सवाल है, इतने बड़े आदमी ने बुलाया है, कोई काम की बात? अम्मी जान, चला जा बेटा, इतना कह रहे हैं। ठीक है, आओ बाबा, रास्ते में पकौड़ा खिलाएगा, पकौड़ा खिलाएगा। चलो आओ आओ आओ। अच्छा तो ये बात है, आखिर भवानी प्रसाद की मुराद पूरी हो ही गई,
हाँ। मिनिस्टर बन ही गया। अरे बाबा झूले लाल की कृपा है ना, वो राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। आओ। अरे आइए आइए हुसैन मियां, हम तो सोचे थे कि आप जेल से निकलते ही सीधे हमारे पास आओगे और अपना जेल जाने के पहले दिया हुआ वादा पूरा करोगे, लेकिन लगता है जेल की चार दीवारी में 5 साल बिताने के बाद आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। क्या कहा था तूने कि 5 साल बाद जब जेल से बाहर आएगा तो हमको फिनिश कर देगा? पर देखो देखो जरा कैसे बुजदिल की तरह खड़ा है। अय हुसनवा, हमको तो लगता है कि तुम्हारे रगों में दौड़ने वाला तुम्हारा मां का दूध पानी हो गया है, पानी। सर आपकी गाड़ी का लाल लाइट और पुलिस का खाकी वर्दी ये सब देखकर बेचारा घबरा गया है नी, सोचता है आपको मार डालेगा तो बाकी का बचा हुआ जिंदगी भी जेल में काटना पड़ेगा नी। इसका खामोशी तो मेरे को ये बता रहा है कि इसने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। अगर ऐसा है सीताराम जी तो इससे कहे कि हमारे पांव पड़ जाए, हमसे माफी मांगे, हमरे तलवे चाटे, फिर हम इसकी जिंदगी खैरात में देने के लिए तैयार हैं। माँ की बंदिशों से बंधा ये हुसैन मजबूर है, वरना तेरे इस बेईमान जिस्म को यहीं ढेर कर देता। आय हुसैनवा, तू हमको 5 साल का मोहलत दिया था, लेकिन हम तुमको 15 दिन का मोहलत देता हूं। 15 दिन के अंदर अपनी मां और बहन के साथ ये शहर छोड़ के भाग जा, वरना पहले तेरी मां को, उसके बाद तेरे बहन को और उसके बाद तुझे मारूंगा। नाउ गेट आउट। पैसेंजर्स चाबी लॉक कर दो।